please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ताजमहल का दौरा करेंगे। सीएम योगी आगरा के कच्छपुरा में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक ताजमहल भारतीयों ने बनाया है। ताजमहल भारतीय कला का एक बहुत अच्छा नमूना है, उसको भारतीयों ने बनाया है। ताजमहल पर अभिनेता प्रकाश राज ने तंज कस के कहा कि आप इसे नीचे गिराने का इरादा कब कर रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड में ट्रेनी आईएएस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के 28 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। केंद्र सरकार आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक टाल सकती है। रेल मंत्रालय जल्द ही मुसाफिरों को रुलाने वाले फ्लेक्सी फेयर में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ आज एनआईए आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। गुजरात एटीएस ने सूरत से दो संदिग्ध आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ये दोनों अहमदाबाद में किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में थे। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को उम्मीद है कि अगला युद्ध भारत खुद के बनाए हथियारों से लड़कर जीतेगा। शोपियां में आतंकियों को फायरिंग में जख्मी हुए पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती के मुताबिक आतंकियों को नहीं आतंकवाद को खत्म करना है। छत्तीसगढ़ के मानपुर में सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई में 3 नक्सली मारे गए। राष्ट्रपति के मुताबिक टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से लड़कर ऐतिहासिक मौत हुई थी। टीपू सुल्तान डाइड ए हिस्टोरिक डेथ फाइटिंग द ब्रिटिश। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर मोहन भागवत ने कहा उनके नेतृत्व की जरूरत आज भी है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी बिल्डर्स को राहत देते हुए 2000 करोड़ 5 नवंबर तक जमा कराने को कहा। बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के अवैध निर्माण के मामले में संशोधित प्लान भी नामंजूर किया। छठ पूजा के दौरान लालू राबड़ी ने घर परिवार और राज्य के विकास की कामना की। तुमरी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी का आज अंतिम संस्कार बनारस में होगा। सेंसेक्स पहली बार 33,000 के पार हुआ जबकि निफ्टी 10,295 अंक पर बंद हुआ। सेना में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव का लोगों ने बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। पुणे वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर भारत ने सीरीज में 1-1 से बराबरी की। न्यूजीलैंड के 3 विकेट झटक कर भुवनेश्वर कुमार मैन ऑफ द मैच बने। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान 9 और 14 दिसंबर को होगा। पोलिंग वुड बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस, 9th दिसंबर फॉर फर्स्ट फेज एंड 14th दिसंबर फॉर सेकंड फेज। गुजरात में पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीट पर मतदान होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। गुजरात में राजस्थान की एक पार्टी के सिंबल पर वाघेला गुट ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। गुजरात में विसनगर कोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। मथुरा में बंदूक के बल पर बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से लूटपाट की। दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में रैन बैक्सी के पूर्व डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मामूली विवाद में एक आदमी ने अपनी मां की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 6 साल की मासूम का बलात्कार करने का मामला सामने आया। नोएडा के एक मॉल की पार्किंग में बदमाश कलेक्शन एजेंट को गोली मारकर पैसे लेकर फरार हो गए। हैदराबाद में पुलिस अधिकारी बनकर रुपए वसूलने वाले आदमी को पकड़ा गया। हैदराबाद में गलत तरीके से तलाक कराने वाले गाजी को गिरफ्तार किया गया। कानपुर के चिड़ियाघर में एक शेरनी ने 2 शावकों को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। नोएडा में वकीलों के संगठन ने जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन किया। अयोध्या में 28 अक्टूबर को होने वाले कार्तिक राम मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बेंगलुरु में 60वीं वर्षगांठ के मौके पर कर्नाटक विधानसभा को सजाया गया। राजस्थान में पान मसाला लाइसेंसी विक्रेताओं के बेचने के फरमान के बाद से हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट संघ की सदस्यता पर 17 नवंबर तक फैसला ले। नेवी के प्रति प्रेरित करने वाले नौसेना का दल उत्तराखंड में साइकिल यात्रा कर रहा है। पुष्कर मेले में घोड़ाबंदी पर रोक हटाने को लेकर युवकों ने टंकी पर चढ़कर विरोध किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने यौन उत्पीड़न आरोप के बाद माफी मांगी।
दक्षिण सूडान में प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राजदूत निकी हेली को यूएन कैंप से सुरक्षित निकाला गया। व्लादिवोस्तोक में भारत रूस के जवान सैन्य अभ्यास इंद्र में हिस्सा ले रहे हैं। रानी मुखर्जी के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा में अमिताभ बच्चन भी गए। पीएम मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खात्मे क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन और सुषमा स्वराज की मुलाकात के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठा। अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन के मुताबिक आतंकियों के पनाहगारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मुताबिक यूएस की सौंपी 75 आतंकियों की लिस्ट में हाफिज का नाम नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक बीजेपी 8 नवंबर को कालाधन विरोधी दिवस मनाएगी। 8 नवंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कालाधन विरोधी दिवस मनाएगी। कांग्रेस ने तंज कसा कि बीजेपी को 8 नवंबर को बंडाधार दिवस मनाना चाहिए। सियानी बिल्ली खंबा नोट तौर पर मनाना चाहिए। ममता बनर्जी के मुताबिक टीएमसी 8 नवंबर को ब्लैक डे मनाएगी और काले झंडे लेकर रैलियां करेगी। न्यूयॉर्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत जल्द ही चीन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ देगा। आरक्षण की सीमा बढ़ाने का विधेयक पेश करने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस थमाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब नष्ट की। उत्तर प्रदेश के शामली में चोरी करते गए पकड़े आदमी की लोगों ने पिटाई की। झांसी में छेड़छाड़ से परेशान एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बीजेपी नेता पर फर्जी कोतवाल बनकर रंगदारी लेने का आरोप लगा। अमेठी की एसपी पूनम के मीडिया कर्मियों को धमकाने के बाद उनका तबादला मेरठ कर दिया गया। अलीगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में कार्रवाई न होने पर छेड़छाड़ पीड़ित लड़की ने अधिकारियों से मदद मांगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महिला की मौत के बाद अस्पताल ने उसे शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में गड्ढे में फंसे हाथियों के बच्चे को निकाला गया। मोहाली के डेराबस्सी में घग्गर नदी के किनारे 18 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। रोहतक में तेल से भरा टैंकर पलटने के बाद लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला के मुताबिक खट्टर सरकार ने एक भी ढंग का काम नहीं किया। मुंबई में बेमौसम बारिश के कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 28 अक्टूबर को स्पेन और इंग्लैंड के बीच होगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप के सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने ब्राजील को हराया। फीफा अंडर 17 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन ने माली को हराया।